नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रो करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले सागर जिले का जिक्र करेंगे। बरतूमा में 11 एकड़ जमीन पर संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है। भव्य स्मारक कला संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बनेगा। स्मारक की दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। बताया ये जा रहा है कि नागर शैली में पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। कला वीथिका बनेगी, भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी बनेंगी। संत रविदास मंदिर के लिए पूरे प्रदेश के 53,000 गांव से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया जा रहा है, जो कि समरसता यात्रा के तौर पर बीजेपी ने शुरू किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। समरसता यात्रा के तहत जो नदियों का जल और मठ मंदिरों की मिट्टी लाई गई है, वहां से भी इस यात्रा का समापन आप देखेंगे। साथ ही साथ उसी मिट्टी को, उसी जल को इस्तेमाल किया जाएगा इस भव्य मंदिर के निर्माण में। करीब 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का धाम यहां पर स्थापित होगा। अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कई सारी सुविधाएं भी इस भवन में देखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 100 करोड़ के संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी जब यहां पहुंचेंगे उस समय यहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, और इस समय जो प्रसिद्ध जो संत रविदास जी के जो भजन थे, उन भजनों को खुद यहां पर जो पद्मश्री डॉक्टर भारती हैं, वो खुद उन भजनों को यहां पर पीएम की मौजूदगी में सुनाएंगे। तो हम अभी सीधे डॉक्टर भारती जो पद्मश्री हैं, उन्हीं से बात करते हैं। साहेब बंदगी साहेब नमस्कार, वंदे मातरम। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं पूरे परिवार के साथ, भारती बंधु परिवार के साथ, कलाकारों के साथ सभी यहाँ सागर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखी जाने वाली है। सदगुरु रविदास साहेब के संस्मरण में एक उनकी स्मारिका बनने वाली है, एक मठ बनने वाला है। उनकी उपस्थिति में मेरा भजन गायन भी है, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, वो बधाई के पात्र हैं। तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु। पीएम मोदी की मौजूदगी में यही प्रस्तुति यहां पर इनकी मंडली देगी, और यहां पर सारी 3 से 4 लाख लोगों की मौजूदगी यहां पर रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। पीएम मोदी सागर में आज संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, और 100 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस भव्य मंदिर का निर्माण कैसा होगा, यहां क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, बनने के बाद ये दृश्य कैसा दिखेगा, आइए एक नजर डालते हैं इस पर। मध्य प्रदेश की सरकार संत रविदास के विचारों और लोक परिमार्जन और मानवता की वाणी को संरक्षित करने के उद्देश्य से सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर तैयार करने जा रही है, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री रखेंगे। संत रविदास वे हैं जिन्होंने अपने शब्दों और काम के माध्यम से अनगिनत लोगों को सेवा भाव और करुणा भाव के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रविदास रैदासी पंथ की स्थापना भी की। संत रविदास ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित किया है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है, और ऐसे संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके बताए मार्ग से सभी को जोड़ने के लिए सागर में सरकार उनका मंदिर तैयार करने जा रही है। इसकी लागत 100 करोड़ रुपये आएगी। मंदिर और संग्रहालय रहेगा। संत रविदास मंदिर और संग्रहालय की स्थापना होगी, जिसमें उनकी वाणी, उनके कार्य, सामाजिक प्रदान, भक्ति आंदोलन और उसमें उनकी भूमिका जैसे विषयों को कलात्मक और आधुनिक तकनीक से दर्शाया जाएगा। पुस्तकालय 10,000 स्क्वायर फीट के पुस्तकालय में रविदास जी की शिक्षाओं को संग्रहित किया जाएगा, साथ ही अन्य महान गुरुओं और दार्शनिकों के विचार और वाणी को संभाला जाएगा। संगत सभा खंड, इसका आकार
फूलों की पंखुड़ियों की तरह होगा। विशाल सभा खंड में संत रविदास जी की वाणी के साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन होता रहेगा। भक्त निवास 12,500 वर्ग फीट में निर्मित इस भक्त निवास में दुनिया भर से आने वाले भक्त साधक विद्वान और यात्रियों के रुकने का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ 15 कमरे तैयार किए जाएंगे और साथ ही 50 व्यक्तियों के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। अल्पाहार गृह मुलाकात और यहां प्रवास करने वाले लोगों के लिए 15,000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा। तंबू के आकार के डिजाइन वाले इस स्थान पर नाश्ते और भोजन की व्यवस्था होगी। गजेबो इस स्थान का उपयोग बैठने पढ़ने नाश्ता करने के साथ ही लोग विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये दिव्य और आध्यात्मिक स्थान पूरे विश्व की अलग अलग संस्कृतियों के साधकों का स्वागत करेगा और रहस्यवाद पथ की गहरी समझ को और व्यापक बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पीएम मोदी आज सागर पहुंचेंगे, संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमें सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज की प्रेरणा देने वाले संत रविदास जी की विरासत को सहेजने और संवारने का अवसर मिला है। इसी कड़ी में दोपहर बाद मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान सागर और उनके ढाना में उनके स्मारक स्थलों के निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है। इसके अलावा राज्य की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी सुअवसर के दौरान उन्हें मिल रहा है, इस बात की खुशी भी उनकी तरफ से जाहिर की है। ट्वीट हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सागर दौरे पर आज पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री इस दौरे को लेकर भी और संत रविदास जी के बारे में भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं, इस बात का भी जिक्र है। प्रधानमंत्री का ये सागर दौरा, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी बड़े स्तर पर बीते दिनों हमने देखी। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है, जहां लापरवाह अस्पतालों को नोटिस जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से बड़ी कार्रवाई, अंचल के 22 अस्पतालों को नोटिस जारी हुआ है। 19 अस्पतालों का पंजीयन रद्द हो चुका है, 3 को बंद करने का नोटिस जारी हुआ है। बायो वेस्ट डिस्पोजल के ठीक इंतजाम ना होने के चलते ये कार्रवाई हुई है। कुछ अस्पतालों को कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट ना लेने के चलते नोटिस जारी किया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुल 81 अस्पतालों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्वालियर से बड़ी जानकारी, 22 ऐसे प्रमुख अस्पताल जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये कार्रवाई का सिलसिला हमने देखा। वेस्ट डिस्पोजल को लेकर कुल मिलाकर शिकायतें जैसे ही प्राप्त हुई, अनियमितताएं जैसे ही पाई गई, फौरन नोटिस जारी हुआ है। कुछ ऐसे भी अस्पताल जिनका पंजीयन रद्द किया जा चुका है, लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से। 81 अस्पतालों का नाम इस लिस्ट में शामिल है जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट का भी नोटिस ना होने के चलते इसके डिस्पोजल को लेकर भी कहीं ना कहीं शिकायतें थी। बायोवेस्ट डिस्पोजल को लेकर बद इंतजामी देखने को मिली और इसी के चलते इन अस्पतालों के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई। बाईस ऐसे अस्पताल हैं जिनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है, कुछ ऐसे अस्पताल भी जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। आने वाले समय में अगर अनियमितता इसी तरह से बरकरार रहती है, अन्य अस्पतालों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, इसके भी आसार हैं। ग्वालियर अंचल के कुछ प्रमुख अस्पतालों के नाम भी इसमें शामिल होते हैं। बायोवेस्ट डिस्पोजल की समस्या सबसे ज्यादा, कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट ना लेने के चलते भी नोटिस कुछ अस्पतालों को, कुल मिलाकर तमाम अनियमितताओं को लेकर एक साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक्शन लिया। उन्नीस ऐसे अस्पताल जिनका पंजीयन रद्द हो चुका है, 3 को बंद करने का नोटिस जारी हुआ है। बायोवेस्ट डिस्पोजल का इंतजाम ना होने के चलते कार्रवाई हुई है, कुछ अस्पतालों को कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट ना होने के चलते नोटिस जारी हुआ। मनेंद्रगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां शिक्षकों ने नौनिहालों के हाथों में झाड़ू थमा दिया है। प्राथमिक शाला में स्कूल की सफाई करते हुए बच्चे देखे गए, शिक्षक के सामने स्कूल की सफाई कर रहे हैं बच्चे। भरतपुर के डोंगरी टोला प्राथमिक शाला का यह पूरा मामला, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्राथमिक शाला की तस्वीरें हैं
पढ़ाई करने के लिए बच्चों को यहाँ पर परिजन भेजते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें इसी शाला से सामने आती हुई जो अब चिंता का सबब बनी हुई। शिक्षक मौजूद थे स्कूल में, उनकी मौजूदगी में ये देखे बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आए। भरतपुर के डोंगरी टोला प्राथमिक शाला का ये पूरा मामला, शिक्षकों की मौजूदगी में बच्चे झाड़ू लगाते हुए देखे। जिन बच्चों को वहां पर बैठकर पढ़ाई करनी थी उनसे ऐसा काम किया जा रहा है। मनेतगढ़ का ये पूरा मामला, और उससे पहले भी अक्सर इस तरह के मामले अलग अलग जिलों से आपने देखे होंगे। कड़ा एक्शन शिक्षा विभाग की तरफ से होता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामले कम नहीं होते। एक बार फिर से मनेतगढ़ से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। शिक्षकों की मौजूदगी में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही थी। टोला प्राथमिक शाला डोंगरी का यह पूरा मामला मनेतगढ़ क्षेत्र में आता है, और अब तमाम सवाल खड़े होते हुए प्रबंधन के खिलाफ भी, क्योंकि अब चूंकि मामला संज्ञान में आया तो उम्मीद यह भी कि शिक्षा विभाग इस पर भी संज्ञान ले और तस्वीरों को लेकर कोई बात उनकी तरफ से जारी हो। दतिया से अगली बड़ी खबर है, पंडित प्रदीप मिश्रा ने ओएमजी 2 का विरोध किया है। ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने विरोध दर्ज करवाया है। कहा है कि फिल्म में सनातन संस्कृति के खिलाफ कुछ दृश्य हैं। फिल्म में प्रभु को कचौड़ी मांगते हुए दिखाया गया है जो उन्हें स्वीकार नहीं है। दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता होती। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए दिखा रहे हो, देवाधिदेव महादेव को तुम दरवाजे पर भीख मांगते हुए दिखा रहे हो, हमको पसंद नहीं है महाराज। अगर कोई हनुमान जी का रूप रखकर, कोई राम जी का रूप रखकर, कोई शंकर का रूप रखकर, कोई कृष्ण का रूप रखकर हमारी कथाओं में, अगर मंच के सामने, इस व्यासपीठ के सामने भी अगर कोई नाचता है, हम कैमरे वालों से मना कर देते कि एक कभी फोटो नहीं दिखना चाहिए। कारण, हमारा देवता इस पृथ्वी पर तुम्हारे मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जीवन के अहंकार का भंजन करने के लिए पैदा। हमारा सनातन धर्म का अपमान हो, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाया जाए, ये कथा दतिया में नहीं मिलती। ये कथा दतिया की नहीं थी, केवल आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का विरोध करा और उसकी क्लिपिंग हमारे पास आई तो हमने समीर जी से कहा कथा दतिया में दे दो, बस इस बात पर ये कथा दतिया में। फिल्म ओ माई गॉड 2 रिलीज हो चुकी है और उस फिल्म को लेकर विरोध के स्वर लगातार सामने आ रहे हैं। शूटिंग इसकी महाकालेश्वर मंदिर में भी 7 दिनों तक चली है। पुजारी महासंघ ने अब इस मंदिर के शॉट्स को हटाने की मांग की है। इसी को लेकर महाकाल पुजारी महासंघ ने अपने वकील के साथ फिल्म देखी। फिल्म से शॉट न हटाने पर आपत्ति भी जाहिर की। पुजारी महासंघ ने अपने वकील के जरिए फिल्म निर्माता और निदेशक को नोटिस जारी किया है। कहा है कि इस फिल्म में महाकाल के शॉट्स जितने भी हैं उन्हें हटा दिया जाए। जो हमने जो स्टैंड पकड़ा था कि जो धर्म से संबंधित सारे जो और मंदिर से संबंधित जो दृश्य है उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी फिल्म जो है वो सेक्स के ऊपर है। चाहे एजुकेशन नाम दिया हो उसका, चाहे अन्य नाम दिया है, लेकिन ये जो सेक्स से संबंधित है इसलिए वो हटाना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान महाकाल को उसमें चित्रण किया गया, शुरुआत में तो भगवान की आस्था दिखाई गई वो ठीक था, लेकिन बाद में जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए भगवान महाकाल का उपयोग करना, या कहीं ना कहीं सेक्स के लिए भगवान महाकाल का उपयोग करना, तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को, आस्था को चोट पहुँचाने वाला है। कि हमारे भगवान को लेके कोई भी मूवी इस तरीके की नहीं बननी चाहिए जो कि एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड हो, भले उसमें बहुत ही अच्छा मैसेज क्यों ना हो। जबलपुर से अगली बड़ी खबर, लापता सना खान की हत्या की गई है। 1 अगस्त से लापता थी सना खान, बीजेपी कार्यकर्ता सना खान जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस भी प्रयास कर रही थी, लेकिन अमित साहू ने सना खान की हत्या कर दी है। इस बारे में पुष्टि हो चुकी है। अमित साहू का सना खान से विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, परिजनों से बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन इसके बाद नागपुर पुलिस ने जैसे ही तफ्तीश की हत्या की पुष्टि। सीधी से अब अगली बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हुई है। 27 से ज्यादा यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, रीवा इन्हें रेफर किया गया है। बाकी घायलों का सीधी जिला अस्पताल में उपचार लगातार चल रहा है। रीवा से सिंगरौली की ओर बस जा रही थी, गौतम ट्रेवल्स कंपनी की बस है, NH 39 पर वढ़ौरा की पुल।
तो सीधी से बड़ी जानकारी, 27 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि इस बस में सवार थे और घायल अवस्था में हैं, अस्पताल में इलाजरत। घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देखिए, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मवेशी को बचाने के चलते ट्रक सबसे पहले अनियंत्रित होता है और उसके बाद बस को टक्कर लग जाती है। घायलों का सीधे अस्पताल में इलाज जारी है। बस में बताया जा रहा है कि 80 के करीब लोग सवार थे जिनमें से 27 को चोट आई। कंडक्टर जो टिकट काट रहे थे, हाँ। तो पीछे बैठाए रहे, हाँ। पीछे बैठे रहे, हाँ। आप पीछे से तो नहीं दिखाई देता कि अब आगे क्या क्या हो रहा है, हाँ। पलट गए, हाँ, तो वहीं पड़े थे बस में छपे थे, हाँ, वहीं पड़े पड़े थे। कंडक्टर ऊपर पड़े, हाँ, कंडक्टर दबान रहा। तो एम्बुलेंस उनका यहाँ पे नहीं ले आए? एम्बुलेंस वाले कहेंगे जिनको ज्यादा चोट लगी है तो उसको पहले बैठाओ। इसमें सूचना है वो 27 लोग इंजर्ड हुए जी, सभी अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ जिला अस्पताल में, डॉक्टर्स उनको अच्छे से देख रहे हैं। इसमें 6 जो गंभीर रूप से घायल है उनको रीवा। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, पिकअप वाहन और बाइक में टक्कर हो गई है। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा और हादसे में बाइक सवार भी बुरी तरह से घायल हुआ है। बस गई पुलिस चौकी की पूरी घटना है। एक और सड़क हादसे की जानकारी सूरजपुर से, ये तस्वीरें देखिए, पिकअप वाहन और बाइक के बीच टक्कर, उसके बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। बाइक सवार को भी चोट आई है, अस्पताल में इलाज कराया। बड़ी लापरवाही, बसदेई पुलिस चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। घटनास्थल की तस्वीर भी आप देखें, पिकअप वाहन और बाइक में भीषण टक्कर। सूरजपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां फांसी पर लटके हुए युवक की लाश पाई गई है। युवक की आत्महत्या करने की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। केड़ता गांव का रहने वाला मृतक, कोतवाली पुलिस मामले की जांच करे क्योंकि अभी तक से स्पष्ट नहीं हुआ है किस वजह से ऐसा कदम उठाया। सूरजपुर से पूरा मामला, फांसी पर लटके युवक की लाश मिलने से हड़कंप की स्थिति थी, आत्महत्या करने की आशंका प्राथमिक तौर पर, लेकिन यह कदम क्यों उठाया गया इसकी जांच करने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा इस तरह की उम्मीद। केड़ता गांव का रहने वाला मृतक, परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर से अगली बड़ी खबर है, जहां मॉल को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। युवक को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सैलरी नहीं मिलने से युवक नाराज था। मॉल में हाउस कीपिंग का युवक काम करता था और उसी दौरान उसकी तरफ से धमकी दी गई कि मॉल को बम से उड़ा देगा। सैलरी नहीं मिलने की वजह से नाराजगी इतनी बढ़ी, मॉल को उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति हालांकि अब विजयनगर पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी व्यक्ति की तरफ से धमकी दी गई थी। पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। सैलरी नहीं मिलने की वजह से नाराजगी जाहिर की जा रही थी और इसी नाराजगी के चलते मॉल को उड़ाने की धमकी इस व्यक्ति की तरफ से दी गई। ये व्यक्ति हाउसकीपिंग का काम करता है मॉल में, लेकिन अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। मॉल में हाउसकीपिंग का काम करने वाला युवक सैलरी ना मिलने से नाराज और उसी के चलते इंदौर के मॉल को उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस के संज्ञान में जैसे ही मामला आया, तफ्तीश में विजयनगर पुलिस जुटी रही और अब पुलिस की तरफ से खुलासा इस पूरे मामले को लेकर, सैलरी नहीं मिलने से नाराजगी थी और इसी के चलते इस युवक ने ऐसा किया था। सहयोगी मिथिलेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, विस्तार से समझाइए मामला। विजयनगर को एक अनजान नंबर से फोन आता है कि C21 मॉल के अंदर एक बम लगा हुआ है, जहाँ पे पार्किंग के लिए जो जगह बनी हुई है नीचे पार्किंग स्थान पर एक बम लगा हुआ है और थोड़ी देर बाद ये C21 मॉल उड़ जाएगा बम से। इस धमकी के बाद पुलिस हरकत में आती है, तमाम बम स्क्वाड और तभी सभी लोगों से बात की जाती है और उसके बाद उस नंबर की ट्रेसिंग भी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी जाती है। वहां के मैनेजर और तमाम लोगों से बातचीत करने से समझ में आता है कि एक युवक सर्दी की वजह से लेकर कुछ उसका विवाद चल रहा था जिससे वो ना रहे। पुलिस की जांच में फिर वो नंबर जो था वो उसी शख्स का निकलता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सैलरी नहीं मिलने से नाराज था इसलिए C21 मॉल को बम से उड़ाने की धमकी देता है, यानी कुल मिला के जो उसकी नीयत थी वो परेशान करने की थी या कि वो C21 मॉल के जो मैनेजर है उन्हें और विजयनगर पुलिस को। हालांकि अब जो शख्स है वो गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सिम्स के डॉक्टर की जूनियर डॉक्टर्स ने पिटाई कर दी। जूनियर डॉक्टर के चेहरे और नाक पर चोट आई है। घायल जूनियर डॉक्टर आईसीयू में भर्ती है।
सिम्स के डीन ने आरोपी डॉक्टर को हटा भी दिया है। बिलासपुर से खबर है, सिम्स के डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर की पिटाई की, जूनियर डॉक्टर के चेहरे और नाक पर गंभीर चोट, घायल जूनियर डॉक्टर आईसीयू में भर्ती। इधर सिम्स के डीन ने आरोपी डॉक्टर को हटा दिया है, फौरन यानी की कार्रवाई भी हुई है, लेकिन विवाद किस बात को लेकर था यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अभी भी जांच का विषय। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।